आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का क्लोन, और इसको मैंने परचेज किया है वो है 3300 रुपए में। किस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हो, कहाँ पे ये मिलेगा, किस तरह से आप इसको परचेज करोगे, क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलने वाले, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, मेरा नाम है राज और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स। विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑल पे कर देना, ताकि हम जैसी कोई नई वीडियो रखे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आपको कुछ इस टाइप का जो बॉक्स जो है देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग की पूरी तरह से ब्रांडिंग जो है की हुई भी। यहाँ पे आपको जो है गैलेक्सी वॉच 4 जो है लिखा हुआ है, नीचे क्लासिक लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सैमसंग गैलेक्सी वॉच क्लासिक जो है लिखा हुआ है, सेम इट इज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पीछे की तरफ हमको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, और इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखा दे। तो जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच 4, इसके अंदर थोड़ी सी हमको एक्सेसरी वगैरह जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमको जो है स्मार्ट वॉच जो है रखा हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं वॉच बाहर आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना जो है स्मार्ट वॉच जो है रखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो है दो लेदर स्ट्रैप जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सैमसंग की प्रॉपर ब्रांडिंग जो है वो भी देखने को मिलती है। अभी ये मैं प्रॉपर ब्रांड की वाला जो प्रोडक्ट है वो क्लोन प्रोडक्ट है, बट इसकी जो क्वालिटी है, इसके अंदर जो फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। क्या क्या कुछ देखने को मिलता है उसके बारे में भी अगर बात कर ले, तो हमको इस टाइप का आपको एक और बॉक्स जो है देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। ये वाले बॉक्स के अंदर वॉच 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी जगह पे यहाँ पे भी वॉच 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कुछ बारकोड वगैरह है। इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर हमको जो है एक पिन वाला चार्जर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को जो है चार्ज कर पाओगे। और हमको जो है हमको कुछ इस टाइप का यूज़र मैनुअल जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसको कह कोई नहीं पड़ता। और तो देखो कुछ इस टाइप का आपको जो है वॉच जो देखने को मिल जाता है। मैं आपको स्ट्रैप वगैरह भी जो लगा के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वॉच का ओवरव्यू जो है दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको जो है अपना हार्ट रेट सेंसर वगैरह के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए जो सेंसर्स आते हैं ना, वो हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की तरफ आपको जो है अपना मैग्नेटिक चार्जर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्मार्ट वॉच लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, फिटनेस, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आगे से पन्नी जो है वो भी हट चुकी है अपने आप। अब जो इसको करते हैं ऑन, नीचे का बटन जैसे ही आप दबा के रखोगी, अपना जो स्मार्ट वॉच जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 जो है, जैसे आप बूट करते हो ना वॉच को, वो जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको बॉक्स के अंदर कुछ इस टाइप के जो है रिमूवेबल स्टेप्स जो है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। और मैंने जो है स्टार्टिंग में आपको बोला कि दो स्टेप नहीं, एक ही स्टेप मिलते हैं, मैंने इसको एक के ऊपर एक देखा ना, तो मैं दो बोल दिया था। अब आपको इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, इस पिन को थोड़ा सा नीचे करने के बाद, इसको ऐसे करने के बाद जो है आपका जो स्मार्ट वॉच के अंदर जो स्टेप है वो लग जाता है। अपना पुराना जो वॉच है, पुराना नहीं भाई, अभी लिया ये वाला वॉच। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में वीडियो देख रहा होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मैंने जो है इसको पहन के जो आपको दिखाता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आप इसको एक हाथ से तो इजीली पहन सकते हो, लेदर स्ट्रैप है, जैसा अपने नॉर्मल वॉचेस रहते हैं ना, वैसे ही इसको आप पहन सकते हो। कुछ इस टाइप से पहनने के बाद जो है लुक जो है वो आने वाली है। जैसे देखो इस टाइप का आपको जो इंटरफेस जो है देखने को मिल जाता है, ये जो बेजल आपको देखने को मिल रहा है ना डायल, वो भी वर्किंग है। जैसे आप इसको घुमाओगे आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप कर दो, यहाँ पे आपको जो है सेटिंग मेन्यू जो देखने को मिल जाता है, इसको भी आप बेजल की मदद से चेंज कर सकते हो। इसके अंदर हमको वॉल्यूम, क्लॉक और बहुत सारे हमको ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर हम जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे हमको स्क्रीन टाइम आउट का देखने को मिल जाता है। और मेन्यू स्टाइल भी जो है आपको जो है तीन स्टाइल के मिलते हैं, एक अपना स्मार्ट स्टाइल है, एक वन स्टाइल है जो अभी रखा हुआ है, एक 25 स्टाइल है। मेरे को वन वाला ही ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको दोनों ही दिखा दूंगा, कुछ इतना कुछ फर्क नहीं है। और जैसे आप इसका ऊपर वाला बटन, ये वाला बटन जैसे आप इसको दबाते हो, अब जैसे इसका ऊपर वाला बटन जो है दबाते हो, आपको जो इसका जो डायल मेन्यू है वो देखने को मिल जाता है। जैसे आप इसको ऐसे घुमाओगे पूरा जो मेन्यू है उसको चेंज कर सकते हो। इस टाइप से आप इसको स्वाइप करके भी जो है चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस जो इसके अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं, जो स्मार्ट वॉच के अंदर हमको चाहिए वो सारी जो फीचर्स वगैरह जो है हमको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और मॉनिटर का भी हमको ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप इधर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो पीछे की तरफ अपना जो सेंसर जो है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस टाइप का आपको जो ग्रीन कलर का जो सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। मैंने सब कुछ चीज़ें जो इसके बारे में जो है आपको बता दी है। और बाकी इस वॉच के अंदर हमको क्या कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह जो है देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर हमको जो है सारे फीचर्स जो है स्पोर्ट्स वाले देखने को मिल जाते हैं, जो आपको एक स्मार्ट वॉच के अंदर चाहिए। इसके अंदर का इंटरफेस जो है ना वो बहुत ही सही मेरे को देखने को मिलता है। इसके जो वॉच फीचर्स है वो भी आपको बहुत सारे जो है देखने को मिलते हैं, जो आप जो अपनी वॉच अपने जो एप्लीकेशन है उससे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग वाली क्लोन वॉच जो है चाहिए, तो आप इस वाली वॉच को जो है कंसीडर कर सकते हो। इसकी मदद से भी आप बहुत सारे वॉच फेसेस जो है यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। अभी जो इसका जो वॉच फे अपना जो वॉच फेस है वो कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, और अपना इसके जो वॉच का एप्लीकेशन है ना वो किस टाइप का रहने वाला है, उसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। तो एक आपको जो है WW फिट करके एक एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड करना है इसको कनेक्ट करने के लिए, और ये जो एप्लीकेशन है वो आपके स्मार्ट वॉच के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे डायल पुश के ऊपर क्लिक करते हो, आपको बहुत सारे जो वॉच फेसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
यहाँ से आप इसको कस्टमाइज वगैरह जो है कर सकते हो, अपना खुद का कस्टम डायल भी जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको कस्टम डायल का ऑप्शन जो है वो भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको एनालॉग चाहिए या फिर नंबर चाहिए, इसको कहाँ पे रखना है, सेंटर पे रखना है, नीचे रखना है, कैसे रखना है, वो सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो अपना वो एप्लीकेशन का इंटरफेस है ना वो बहुत ही ईजी है, आपको तीन ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं डिवाइसेस का। वहाँ पे आपको जो अपने वॉच का जो चार्जिंग वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है। वॉच 4 जो है लिखा हुआ है, अगर आप इसको नॉर्मल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो ना तो भी लिखा हुआ आता है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपको यहाँ पे फैंड ब्रेसलेट का ऑप्शन भी जो है देखने को मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके वॉच के अंदर कुछ इस टाइप की अलर्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी आपको हार्ट रेट वगैरह भी जो है डिटेक्शन वगैरह आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको कब इसको रखना है, एवरी 60 मिनट, एवरी 30 मिनट्स, अगर आपको इसको चेक करना है। तो गैलेक्सी वॉच 4 को कहाँ से परचेज करना है, तो यहाँ पे आपको जो है उनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है पॉपअप कर रहा होगा, वहाँ जाके आप इसको जो है परचेज कर सकते हो। लेकिन जो भी जेन्युइन यूज़र हो जिसको परचेज करना है एक्चुअली में, वही हमसे कॉन्टैक्ट करना। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैंने इसकी इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह और इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह भी जो मैंने डाल दिए, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। और बस इतना सही था इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बता देना आपको ये वाला सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 कैसा लगा। वैसे यूजुअली देखा जाए तो ये मेरे को ना बिजनेस टाइप के या फिर बहुत सारे बड़े लोग पहनेंगे ना तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को पर्सनली बताओ तो मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा ये वाला वॉच। मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा अपना ये जो एप्पल वॉच का क्लोन था ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, बेटर लगा, जो आप सभी जगह पे पहन सकते हो। इसके अंदर आपको लेते हैं स्टेप के अलावा भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्टेप वगैरह जोन पे आपको उसका भी जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टेप वगैरह कस्टमाइज़ करने का, तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। आपको कैसा लगा वॉच मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मेरे को दो सारे सब्सक्राइब बोल रहे थे कि वॉच 2 का अनबॉक्सिंग वीडियो लाओ, तो उसका भी आने वाला है, आपको दिखाएंगे। सॉरी वॉच 2 नहीं, एक्टिव 2 मैंने दिखाया था ना आपको वाले वीडियो में। तो जो भी जिन भी लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना जहाँ पे मैंने आपको जाके बहुत सारे क्लोन प्रोडक्ट्स सिखाए थे, तो जिसने भी नहीं देखा वो वाला वीडियो जाके जरूर देखना, वहाँ पे आपको बहुत सारे मैंने क्लोन प्रोडक्ट्स दिखाए थे। तो बस गाइस आज की वाली वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फॉलो करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिटिल देन की वॉचिंग, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। और कैसी लगी आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 की अनबॉक्सिंग, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।